उज्जैन में त्रिवेणी घाट पर शिप्रा नदी में हुए धमाके की जांच करने पहुंची जेएसआई की टीम ने पानी व तलहटी की गाद के सैंपल लिए। उज्जैन के इंदौर रोड स्थित त्रिवेणी घाट पर शिप्रा नदी में पिछले कुछ दिनों में हुए धमाकों की जांच शुरू हो गई है। भोपाल से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 3 सदस्यीय टीम सोमवार सुबह मौके पर पहुंच गई। टीम पानी में हुए धमाके की जांच करने में जुटी है। टीम में जियोलॉजिस्ट, सीनियर केमिस्ट और केमिस्ट शामिल हैं। टीम ने पानी से सैंपल इकट्ठे किए हैं। क्या टाइम रहा होगा? 12 बजे से 20 मिनट या ऐसा। तो लावा तब जो गर्म पानी निकला था, गर्म पानी। हाँ, मैंने सैंपल लिया है। मैंने उस सैंपल बाटल भी दी। गर्म पानी था? गर्म पानी था। तो उसका टेस्ट करवाए कुछ? अभी नहीं करवाया। और यहाँ पे कर्मचारी हूँ मैं जी। और कल श्रीमान दायमा जी के आदेश अनुसार और कमिश्नर साहब के आदेश अनुसार मैं कल ड्यूटी पे कार्यरत था। और 1:20 बीतता भयंकर धमाका हुआ और करीब 10 फीट ऊपर पानी उछला। अच्छा। और जिसके उसके बाद नीचे से अंदर बबूले निकले। हाँ। और उसके मैंने 25 मतलब 20 पे काम हुआ ना, 25 में मैं वहाँ पे जाके एक पानी का सैंपल लिया। ओके। और उस सैंपल को मैंने लैब में पहुँचाया। वो लैब के अधिकारी श्रीमान दायमा जी को दिया। मैं दायमा जी ने उसकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है। और इसकी अवगत श्रीमान कमिश्नर साहब एंड कमिश्नर साहब कलेक्टर साहब को भी मैंने अवगत करा चुका हूँ। ओके। आपको क्या लगता है क्या होगा इसके अंदर? इसमें क्या है कि मतलब 12 बजे बाद कभी धमाका होता है। अच्छा। वो धमाका भी इतना भयंकर होता है कि बिल्कुल ऐसा समझो कि जैसे जमीन हिलने लग जाती है और अंदर से लावा टाइप अंदर से बबूले निकलते हैं। अच्छा। और कम से कम 10 फीट ऊपर से पानी ऊपर उछलता है। आपने कितनी बार देखा इसको? मैं चौथी पांचवी बार देखा है मैंने। गौरतलब है कि शिप्रा नदी के त्रिवेणी घाट स्थित बने स्टॉप डैम के पास बीते दिनों 26 फरवरी को पानी से धमाके की आवाज आई थी, साथ ही धुआं भी निकलता दिखाई दिया था। यह इलाका गोठरा गांव में आता है। ग्रामीणों ने धमाके और धुएं का वीडियो भी बनाया था। कलेक्टर आशीष सिंह ने जीएसआई को पत्र लिखकर जांच कराने की मांग की थी। बताते चले कि इसी घाट पर शनिचरी अमावस्या को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा होती है। इस साल 13 मार्च को शनिचरी अमावस्या है। इस भूगर्भीय घटना को लेकर आसपास के ग्रामीणों में जिज्ञासा बनी हुई है। टीम में शामिल जियोलॉजिस्ट अरुण कुमार ने बताया कि घटना स्थल से तलहटी की गाद और पानी के सैंपल लिए गए हैं। इन सैंपल्स की भोपाल स्थित अत्याधुनिक प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद ही कोई निष्कर्ष निकलेगा। उन्होंने बताया कि 5 मार्च को उज्जैन की पीएचई डिपार्टमेंट ने पानी के सैंपल लिए थे, उसकी जांच में कुछ भी अप्रत्याशित केमिकल नहीं मिला है। जीएसआई 2 से 3 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंप देगी। अरुण कुमार ने बताया कि 5 मार्च को पीएचई और आज के पानी के सैंपल की जांच करेंगे। ये हम लोगों ने जांच के लिए वाटर सैंपल्स लिए और सेडिमेंट सैंपल्स लिए। जैसा कि अभी 3-4 दिन से 28th को यहाँ पे सबसे पहले जो रिपोर्टेड किया गया था, जो फ्लूम्स निकले थे लोगों ने बताया हमें, तो उसके बाद 5th को जो पीएचई डिपार्टमेंट ने कुछ सैंपल यहाँ कलेक्ट किए थे और उसके जो टेस्ट किए हैं जो उनके अपनी लैब में, तो उसका उससे भी उनसे भी बात की गई, तो उस पर ये पाया गया कि अभी उसमें कुछ ऐसे कोई भी ऐसा कोई केमिकल नहीं मिला है। तो वो सैंपल भी हम लोगों ने लिए हैं और अभी जो हम लोग मॉर्निंग से यहाँ पे कर रहे हैं तो ऐसा कोई भी सिग्नेचर हमें नहीं मिला है कि कोई बबल्स और इस टाइप का कोई फ्लूम्स और ऐसी कोई हलचल यहाँ पे पाई गई हो। तो जो सैंपल्स हम लोगों ने लिए हैं यहाँ पे तो उसकी स्टडी की जाएगी और उसके बाद जो भी जो कंक्लूड होगा, जो भी पाया जाएगा, प्रशासन को जल्द से जल्द बताया जाएगा।